गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम फ्रेश होके जा रहे हैं काबोदीरामा फोर्ट एक्सप्लोर करने, सो आइए। हमारे होटल के बाजू में ही हम अभी बाइक रेंट कर रहे हैं और आज और कल हम बाइक से ही घूमेंगे। फिर हमने ये फैसिनो रेंट पे ली। जब हम रेंट पे लेते हैं तभी ये टैंक फुल करके देते हैं और जब हम रिटर्न करते हैं तब हमें टैंक फुल करके ही रिटर्न करना होता है। एक आइडेंटिटी प्रूफ और 2000 रुपीज़ डिपॉजिट देके हमने कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की। और हाँ, इस बाइक का रेंट है 600 रुपीज़ पर डे। ये बाइक के हर एक ब्रांड के साथ प्राइस चेंज होता है। इनके शॉप साउथ गोवा में कैवलिज्म बीच के पास है। आपको इनका नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर गोवा में घूमना है तो रेंटिंग अ बाइक इज़ वेरी गुड ऑप्शन। हाईवे वगैरह छोड़ दिए तो जो भी गलियाँ है वो इतनी नैरो है कि अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है, अगर आपके पास कार है, और मेजर इशू इज़ विद द पार्किंग। मतलब आपको जाना कहाँ होता है और पार्किंग बहुत दूर मिलती है, सो दैट विल वेरी इनकन्वीनियंस। अगर कहीं पर भी आपको कोई सीनरी ऐसी दिखती है तो आप कहीं पर भी रुक सकते हो, बट बी केयरफुल जहाँ पर भी आप रोक रहे हो कि किसी आने जाने वाले गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम ना आए। दैट्स इट। काबोदीरामा फोर्ट जाने के रास्ते में थोड़ा पहले लगता है द केप गोवा। इस लोकेशन की बहुत सारी रील्स आपने देखी होगी। ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ से समंदर का व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। हमने सोचा था कि थोड़ी पेट पूजा यहाँ पे करेंगे, बट इट वॉज टू कॉस्टली। और अभी हम यहाँ रुके ही है और इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है ही, तो थोड़ा फोटो सेशन तो बनता है। हमने यहाँ पे फिर कुछ टाइम स्पेंड किया और कुछ अच्छे अच्छे फोटोज़ भी क्लिक किए। और हाँ, अगर ये फोटोज़ देखनी हो और हमारे लाइव अपडेट्स जानने हो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। एज यूजल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ से निकल के हम चले गए काबोदीरामा फोर्ट। यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल है और यहाँ पे आपको कुछ छोटे स्टॉल्स भी मिलेंगे वेयर यू कैन हैव सम स्नैक्स। ये फोर्ट साउथ गोवा के कैनकोना एरिया में है। आप यहाँ पे इजीली गूगल मैप की हेल्प से आ सकते हैं। काबोदीरामा फोर्ट को खोलगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए कोई एंट्री फी चार्जेस नहीं है, पर आपको यहाँ पे अंदर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा। फोर्ट के अंदर आते ही आपको ये सेंट एंटोनी चर्च दिखाई देगा। इस ड्रोन शॉट से आप देख सकते हो किले की तटबंदी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। यहाँ से नीचे जाने के लिए एक रास्ता भी है जिससे हम सीधे समुन्द्र के पास जा सकते हैं और वो लोकेशन है पेबल्स बीच। हम वहाँ भी जाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए।
ये किला पहले सुंदा साम्राज्य के पास था, फिर बाद में इन 1763 इस पे पुर्तगीजों ने अपना कब्जा कर लिया। अब मैं इस फोर्ट के बुरुज पे खड़ा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कैनल्स रखे गए जो कि शत्रु को रोकने के लिए और अपना रक्षण करने के लिए रखे जाते हैं। इस फोर्ट का नाम भगवान राम से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि 14 वर्ष वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरे थे। तो अभी हम हैं काबोदी रामा फोर्ट पे। यहाँ पे जहाँ पे हमने चर्च देखा था, सेंट एंथोनी चर्च, वहाँ से अंदर एक रास्ता आता है और वही पेबल्स बीच जाने के लिए यहाँ साइन बोर्ड भी लगाया है। हम ये फॉलो करके अभी पेबल्स बीच जाते हैं। पेबल्स बीच जाने के लिए कच्चा रास्ता बनाया गया है, कुछ स्टेप्स बनाई गई है, बीच बीच में साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये रास्ता खूबसूरत तो है ही, बीच बीच में आपको समुंदर का व्यू मिलते रहता है। यहाँ कुछ स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे आप कुछ खा या पी सकते हो। इसको फेबल्स बीच क्यों कहा जाता है ये बात तो आपको अब तक समझ में आ ही गई होगी। इस बीच पे रेत नहीं है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पत्थर हैं जिनको फेबल्स कहा जाता है और इसीलिए इस बीच को फेबल्स बीच कहा जाता है। इस बीच पे बहुत ही शांति है और क्लीन तो ये है ही, और इसका व्यू आहा। मुझे कभी कभी एहसास होता है कि ऐसी जगहों पे आके टाइम थोड़ा स्लो चल रहा है। ऐसे लगता है जैसे हर एक पल को मैं पूरी तरह जी सकती हूँ, पूरी तरह उसका आनंद ले सकती हूँ। This place was really good and I was so grateful that I got a chance to come here and explore this beauty. If you are coming to South Goa, I must say you should include this in your itinerary.
Latika and Mitesh here, signing off. Also, don't forget to like, share with your friends, and subscribe to our channel if you haven't yet. Thank you for watching till the end.